हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की, जो कि सेट नंबर 3 है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त स्थानों को। सबसे पहले आइए देखते हैं हम फर्स्ट रिक्त स्थान को। तो सबसे पहले जो रिक्त स्थान है, इसमें जो है पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा रिक्त स्थान है, इसमें जो आंसर है इसका है राज्यसभा। पर दोस्तों, तीसरा जो है इसमें है 100। जो चौथा रिक्त स्थान है इसमें है 18 वर्ष। और जो आखिरी रिक्त स्थान है इसमें है आरक्षण, इसमें जो है आरक्षण है यहाँ पे आरक्षण। पर दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 जो है सत्य असत्य को लिखिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो पहला जो है हमारा, ये हमारा है सत्य। पहला जो है हमारा, ये है हमारा सत्य। सेकंड जो है, ये हमारा सत्य है। थर्ड जो है, ये हमारा असत्य है। और चौथा जो है, ये भी सत्य है। और पांचवा जो है, ये भी हमारा सत्य है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे। यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। इसके बाद दोस्तों, अगला है विश्व शांति के लिए कौन सा संगठन बना। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दोस्तों है, विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका आंसर है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों, और भी जो पेपर के सॉल्यूशन है पहले से चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर उन सॉल्यूशन को भी आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 4 का हम आंसर देख रहे हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले का आंसर है भारतीय संविधान सभा कब बना, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। दूसरा जो है, दूसरा है इसका आंसर है नुकसान। तीसरा जो है, तीसरे का आंसर है ब्रिटेन। और चौथे का आंसर है जर्मन। और पांचवे का आंसर है अमेरिका और रूस। का आंसर है अमेरिका और रूस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। सबसे पहला है द रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक का है प्लेटो। यहाँ से हम रिपब्लिक को करेंगे प्लेटो, नंबर 1। नंबर 2 पर है इंटरनेट का इस्तेमाल, नेटिजन जो है इसका यूज होगा इंटरनेट का इस्तेमाल, यानी कि ये होगा नंबर 2 पर। नंबर 3 है स्वतंत्रता, सकारात्मकता स्वतंत्रता का जो आंसर है यहाँ से आ जाएगा स्वतंत्रता से, नंबर 3। नंबर 4 का जो है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या है, एक प्रकार का धर्म है, यहाँ से आ जाएगा धर्म। नंबर 5 आ जाएगा 1995 में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 1995 में सारूबिया, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फांसी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसमें पूछा गया है कि राजनीतिक राष्ट्रीय दल कौन कौन से, उनके दो नाम लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर 2 पार्टियों की जो है नेशनल जो पार्टी है यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक राष्ट्रीय दल इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक जो 7 है, भारत में कौन सी कार्यपालिका है। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्ट मिनिस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं। दोस्तों, यहां पर 2 नंबर का पूछा गया है, तो यहां पर इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है तो संयुक्त अधिवेशन इसको कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है वो
राष्ट्रपति जी बुलाते हैं इसको, संयुक्त अधिवेशन को, और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर है। इसी तरह से दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है कि भारतीय किस संविधान संशोधन के तहत वयस्कता की आयु 18 वर्ष की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान के महत्व लिखिए। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही इसके महत्व जो है लिखे हुए हैं। आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही सफिशियंट है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, मौलिक अधिकारों के महत्व, मौलिक अधिकारों के जो महत्व है यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखना है कि मौलिक अधिकारों के महत्व लिखिए कोई 3। यहाँ पर दोस्तों आप, मैंने यहाँ पर आपको 5 बताए हैं, आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और चाहें तो आप 5 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12, भारत में कौन सी लोकतंत्रीय व्यवस्था है। और यहाँ पर है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है लिखे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो 12 का जो पहला क्वेश्चन है उसी को लिया है। यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है, जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है, निरंतर देख रेख ही स्वतंत्रता की कीमत। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इतना ही कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह 3 नंबर में है। दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी तरह से यदि आप पेपर में लिखते हैं तो 100% आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी मान्य रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा जो है हमने यहाँ पर बताया हुआ है, इसका है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? तो नकारात्मक दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न लिखा हुआ है, एक्चुअली में नकारात्मक स्वतंत्रता यहाँ से आंसर लिखा हुआ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्रता जो बंधनों के अभाव में दी जाती है, नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता की 3 मान्यताएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है समानता के 3 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 समानता के 3 लाभ लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हर बार बताता हूँ आपको कि ये जो पॉइंट के ये जो मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो नंबर है इसमें कटने के चांस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं, इसलिए आप किसी भी थ्योरी पार्ट को हमेशा पॉइंट में डिवाइड करके लिखें। प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान की विशेषता है, यहाँ पर आप हेडिंग भी लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिखित एवं निर्मित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश, कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस पेपर का सोल्यूशन नहीं किया है तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि साथ साथ में वीडियो को पॉज करते जाएं और फाइनल कॉपी में इसके आंसर आप लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर इसको बाद में आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें और ये आंसर आप फाइनल में लिखते जाएं। प्रश्न क्रमांक 16 को हम देखते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह अथवा में लिखा हुआ है राज्यसभा का गठन लिखिए। तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, यहाँ पर मैंने आपको 4 कार्य जो है यहाँ पर बताए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं यहाँ पर 4 मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप चाहें तो इनको 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर 3 से 4 नंबर में ये पूछा गया है, इसलिए आपको इतना ही लिखना है, सफिशियंट है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 17, प्रश्न क्रमांक जो 17 है, 17 में पूछा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिए, या राष्ट्रपति के जो कार्य, हाँ अथवा का जो किया है मैंने प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 17, हाँ प्रश्न क्रमांक जो है 17 है, प्रश्न क्रमांक 17 में है राष्ट्रपति के कार्य। यहाँ पर आपसे राष्ट्रपति के कार्य पूछे गए हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति के कार्य जो है 4 कार्य मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये 4ों कार्य आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या दंड के डर के प्रकट कर देने की स्थिति होती है। इसको प्रश्न क्रमांक 18 का यह अथवा, इसको आपको इसी तरह से एडजस्ट लिखना है। यदि दोस्तों आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए जितना मैंने आपको बताया है इतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19, संविधान के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20,
जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। अब केवल चार राज्यों में ही, यहाँ पर दोस्तों राज्यों के नाम पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर इतनी जो लाइन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दी है, आप चाहें तो केवल नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है आप इस पैराग्राफ को पूरा लिखें। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं कि भाईचारे की भावना, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो है यहाँ पर एकता की भावना, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर है एकता की भावना, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर और मिल जाएगा, विश्व शांति दिवस। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा है दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूंगा कि कोई भी थ्योरी पार्ट है आप पॉइंट्स में लिखें, आपको 100% नंबर मिलेंगे, चांस रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का हम आंसर देखेंगे। संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्ति और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है, यानी कि मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है। दोस्तों इसका जो आंसर मैंने लिखा है इसको आपको शॉर्ट नहीं करना है, यदि आप शॉर्ट करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है इसी तरह से आपको भी लिखना है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा गया है, तो निर्वाचन की जो पद्धति होती है, जो प्रणाली होती है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, आपको एज इट इज कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा। 24 के अथवा में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार लिखिए। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार लिखे हुए हैं, तो इसको आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया है सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक न्याय का मैंने यहाँ पर महत्व आपको बताया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है अधिकारों की आवश्यकता बताइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके ही आपको वीडियो में बताया गया सॉल्यूशन ही आपको अपनी फाइनल कॉपी में लिखना है। दोस्तों यकीन मानिए 100 में से आपको 95 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस भी पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो पेपर की साफ फोटो खींच के क्लियर फोटो क्लियर होना चाहिए, टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।